हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज़ अमन माथुर. आई एम योर फिज़िक्स फैकल्टी एंड वी हैव स्टार्टेड अ गुड इनिशिएटिव बाय द नेम डाउट क्लिनिक. एंड यू पीपल आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन डाउट क्लिनिक. सो हेयर आई एम सॉल्विंग योर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू NLM. सो वन स्टूडेंट हैज़ आस्क दिस क्वेश्चन विच इज़ लाइक आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन. टू मंकीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 8 kg are moving along a vertical rope as shown in figure. So I'll draw you the figure. The former climbing up with an acceleration of 2 m/s² while the later coming down with a uniform velocity of 2 m/s. Find the tension in the rope at the fixed support. So the diagram is like this. Okay. So here you can see one monkey and यहाँ पे जो monkey है वो आपका उल्टा जा रहा है, ठीक है ना. ये एक दूसरा monkey है और इनका weight अपने को दिया हुआ है, this is 10 g and this is 8 g. और ये आपको एक system बना करके दिया हुआ है question में, ठीक है. तो आप लोग को मैंने बता रखा है क्लास में, यहां पे एक टेंशन T होगी और यहां पे जो टेंशन काम करेगी वो क्या होगी, T1. क्योंकि भाई ये दोनों जगह पे क्या है, दोनों जगह पे अलग अलग मंकीज हैं तो उनके बीच की टेंशन अलग और यहां पे फिक्स्ड सपोर्ट के अबाउट जो टेंशन होगी वो अलग होगी. इसके अलावा जो जो और डिटेल्स गिवन है अपन लिख लेते हैं. यहां पे अपने को दे रखा है ये वाला जो मंकी है ये 2 m/s² के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये वाला मंकी 2 m/s की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. तो इस कंडीशन में यहां पे टेंशन फोर्स क्या होगा, देखो अगर मैं इंडिविजुअली लेकर के चलो, देखो अगर मैं बोल देता हूं ये मंकी ए है और ये बी है, तो अगर अपन बी के लिए फॉर मंकी बी अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या होगी भाई, T1 = 8 g. यानी कि T1 में कितनी टेंशन है, इसके अलावा क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या T1 के अलावा, ठीक है. यहां पे कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है इसलिए अपन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं. ए के लिए बात करते हैं, फॉर मंकी ए इसके लिए क्या इक्वेशन होगी देखना है यहां पे. अब ये 10 g तो इसमें नीचे, इसका FBD देखना, 10 g तो नीचे, एक T ऊपर, और इसके अलावा क्या इसमें MA भी आएगा सेकंड लॉ के पत्र. तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो T - 10 g और -T1, और ये ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो T = ऐसे लिख लो 10 g + T1 + 10 × A. तो ये कितना हो गया भाई, 100 + T1 अपन ने अभी कैलकुलेट किया 80 और A अपने को कितना गिवन है 2, कितना हो गया 180 + 20, दिस इज 200 N, ठीक है भाई. तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ऐसा सिनारियो हो तो ये टेंशन की वैल्यू क्या होगी और ये T1 टेंशन की वैल्यू क्या होगी. तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है कितना आया 80 N यहां पे बीच में और यहां ऊपर कितना आएगा 200 N. ठीक है, थैंक यू.